सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल जेड ए गेमिंग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फ्री फायर के 5 टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, जो कि गाइस ये बहुत ही ज्यादा ओपी है। एंड गाइस, इससे आप अपने फ्रेंड्स को शॉक कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। सो गाइस, इसमें आपको बहुत सारी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा, सो वीडियो को फुल वो जरूर करना। एंड गाइस, चलो टिप्स नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। गाइस, क्या आपको पता है कि गाइस आप यहां पर नॉक होने के बाद भी अपना एचपी देख सकते हो? गाइस यकीन नहीं हो रहा ना। गाइस, मैं आज आपको बताने वाला कि गाइस कैसे आप ये कर सकते हो। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हो ये दिखाकर। सो ये करना क्या है, पहले मैं आपको नॉक होकर दिखाता हूँ। गाइस अभी सॉरी गाइस, यहाँ मेरी जो है ना रीच भी गई, बिकॉज मेरे पास जो है ना लेवल 4 का बेस था। गाइस देखना, अभी मैं अपनी एचपी को देख पाऊंगा, मतलब एचपी मतलब वो नंबर देख पाऊंगा कि कितनी एचपी जा रही नॉक होने के बाद, रेड एचपी के बाद। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पे, ये देखो नॉक हो गया। अब यहाँ पे देखो मैप खोला, एंड गाइस यू कैन सी, गाइस यहाँ पे देखो मेरी एचपी जा रही है, यू कैन सी गाइस, देख सकते हो। तो गाइस मैं रिवाइव हो गया, एंड आपने देखा था गाइस यहाँ पे मेरी एचपी मतलब लिटरली जा रही थी। आप दोबारा देख लो गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो जा रही है मेरी एचपी। देखो गाइस, ये स्लो मोशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये थी हमारी पहली ट्रिक, एंड गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर अपने दोस्तों को दिखा सकते हो कि देखो भाई मैं अपनी एचपी देख पा रहा हूँ, ये तो अपना आपका दोस्त भी हैरान सकता है। तो यार ये बहुत अच्छी ट्रिक थी। तो गाइस ये आपको ट्रिक कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को यहाँ तक लाइक नहीं करा है तो यार फटाफट से कर देना। एंड गाइस, और भी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस चलो बढ़ते हैं अगले टिप्स एंड ट्रिक की तरफ। गाइस, क्या आपको पता है आप पानी में भाग सकते हो? गाइस यकीन नहीं हो रहा ना। गाइस मैं आपको बताने वाला कि गाइस आप यहाँ पे पानी में कैसे भाग सकते हो, ये हमारी ट्रिक नंबर 2 है। सो गाइस मैं आपको फुली बताने वाला कि गाइस आप यहाँ पे पानी में कैसे रन कर सकते हो और अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हो। गाइस आप यहाँ पे भाग सकोगे एंड अपने दोस्तों को भी हैरान करोगे, भाई ये कैसे भाग रहा। सबसे पहले आपको एक ग्रेनेड की जरूरत पड़ेगी, तो ग्रेनेड ले लेना। एंड अभी चलो मैं पानी में जाके आपको दिखाता हूँ कि गाइस मैं कैसे भागूंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर देखो मेरे हाथ में ग्रेनेड है, एंड चलो गाइस पानी में छलांग लगा लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो यहाँ पे स्केटबोर्ड सेलेक्ट करूँगा, एंड गाइस यू कैन सी मैजिक। गाइस देख सकते हो गाइस, अब मैंने ये कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने पहले यहाँ पे स्केटबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड आपको ग्रेनेड दबाना है और फिर फायर बटन दबाना है, फिर उसके बाद आपको रन का बटन दबाना है, ठीक है। पहले पे ग्रेनेड, दूसरे पे आपको दबाना है फायर बटन, एंड तीसरे में आपको दबाना है रन का बटन, ठीक है। आपको ये तीनों चीज़ एकदम स्पीड में करना है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ 1 2 3 करके, ठीक है। सो आपको ये चीज़ करनी सेम, ठीक है, पहले ग्रेनेड लेना है, फिर फायर बटन फेंकने वाला ग्रेनेड को फेंकना है, एंड फेंकते ही आपको रन का बटन दबा देना, बिल्कुल भी मतलब स्लो मत होना, एकदम स्पीड में करना, ठीक है। तो आप जैसे ये करोगे ना, आप यहाँ पे पानी में रन करने लगोगे। गाइस यहाँ पर आप पानी में भाग सकोगे, एंड गाइस मैं आपको बता दूँ आपके जब दोस्त आपको ऐसे भागते हुए देखेंगे ना, एंड गाइस ये जो ग्लिच है ना, मतलब ये ग्लिच तो एक तरह का है छोटा सा, बट ये आपके जो फ्रेंड के फोन में भी आप मतलब अगर किसी के साथ मल्टीप्लेयर खेल लोगे ना, तो अपने आप फ्रेंड को आप दिखा सकोगे, देखो भाई मैं भाग रहा हूँ पानी के अंदर। आपके फ्रेंड आपसे पूछेंगे कि भाई कैसे करा, और एकदम शौक हो जाएंगे, ठीक है। एंड गाइस आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि मैं देखो भाग रहा हूँ। सो ये ट्रिक आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, अभी तक नहीं करा है तो। एंड आगे ऐसे आने वाले ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सो और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपको आने वाले ट्रिक की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस चलो गाइस ये आपको ट्रिक अच्छी लगी, तो गाइस चलो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। गाइस अगर मैं आपको बोलूं कि गाइस आप यहाँ पे वुकुंग बने बने, यानी वुकुंग की पावर यूज करे करे ग्रास बने बने आप फायर कर सकते हो, तो गाइस क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे गाइस, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप वुकुंग बनते हो, उसके बाद जब आप फायर करते हो तो यार आप तो वापस से इंसान बन जाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको ट्रिक देने वाला हूं कि गाइस आप यहाँ पे वुकुंग बने बने कैसे फायर कर सकते हो। सो गाइस आपको करना कैसे, बहुत ही सिंपल है, आपको बस फायर करते हुए मतलब फायर का बटन प्रेस कर रहे, उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। आप कोई लंबी एमओ वाली गन ले लो, यानी मतलब जो है ज़्यादा ज़्यादा एमओ वाली, ठीक है, जैसे कि M249 हो गई 100 एमओ वाली, जो कि सबसे ज़्यादा है। सो आप ऐसी गन ले लो ताकि जिसमें ज़्यादा एमओ, क्योंकि गाइस आपको फायर बटन छोड़ना नहीं, आपको बस फायर करना है, फायर बटन दबाए दबाए आपको यहाँ पर डायरेक्ट वुकुंग की पावर को ऑन कर देना है। एंड गाइस आप मैजिक देखना, गाइस यहाँ पर आप फायर करते करते मतलब वुकुंग बन जाओगे एंड फायर भी कर पाओगे। एंड गाइस इससे अपने दोस्तों को आप हैरान कर सकते हो, गाइस आपके दोस्त भी आपसे पूछेंगे कि भाई ये कैसे कर रहा था, क्योंकि गाइस यहाँ पे देखो भाई मैं फायर कर पा रहा हूँ, देखो गाइस वुकुंग बने बने फायर करो, ठीक है। सो ये देखो गाइस मैं अभी वुकुंग बने बने फायर करा, एंड आपको दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है।
ओके गाइस यू कैन सी गाइस यहां पे देखो मैं वुकुंग बन के मार रहा था इसको, देखा था बट उसने मेरे को मार दिया, कोई बात नहीं, बट मैंने इसको वुकुंग बन के मारा था। तो गाइस चलो मैं आपको दिखाता हूं। सो गाइस यहां पे देखो बंदा है, मैंने इसको फायर बटन दबाया, सॉरी बंदा चला गया, एंड देखो पीछे बंदा है, फायर बटन दबाया और वुकुंग बन गया। देखो गाइस यहां पे मैं बंदे को मार पा रहा हूं वुकुंग की पावर यूज करते करते, ठीक है गाइस। लेकिन अगर रिलोड आता है ना फिर उसके बाद जब मैं फायर बटन दबाता हूं, यानी अगर मैं फायर बटन से उंगली हटा दूंगा एंड दोबारा प्रेस करूंगा ना तो मैं वापस इंसान बन जाऊंगा, ठीक है। ये एक तरह का ग्लिच है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। सो गाइस ये बहुत ही अच्छा ग्लिच है एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो, एंड जो है आप अपने बचाव के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर किसी के साथ आप खेल रहे हो तो वो बंदा आपको मारने वाला हो तो वुकुंग बन जाओ एंड आपका फायर तो स्टार्ट रहेगा, लेकिन वो बंदा तो बस आपको मार भी नहीं पाएगा एंड आप उसको आराम से ख़त्म भी कर सकते हो। गाइस ये ट्रिक आपको कैसी लगी गाइस मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ। गाइस अगर आपको कोई सी भी ट्रिक्स अच्छी लगी ना तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी ट्रिक ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि गाइस आप सुपरमैन की तरह जंप कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे इनहेलर प्रेस करना है एंड प्रेस करते आपको जंप का बटन प्रेस करना है एंड देखना है मैजिक। तो गाइस देखो मैं करके दिखाता हूँ, इनहेलर प्रेस करते ही जंप का बटन, ठीक है। ये देखो गाइस क्या लग रहा है भाई, एकदम सुपरमैन की तरह एंट्री लग रही है, ठीक है। आप अपने दोस्तों को जब ये दिखाओगे ना, मतलब आपका दोस्त ऐसे आपको जंप करता हुआ आता दिखेगा तो मतलब बोलेगा कि भाई क्या बॉस एंट्री मारी तूने, मतलब बॉस की तरह, मतलब जैसे पावर एकदम सबेट के, समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो ना कैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो एकदम बॉस की तरह एंट्री मारोगे आप तो भाई आपके जितने भी दोस्त होंगे, आपके जो आपके साथ जो खेल होंगे या तो आपके मोबाइल में जो गेम देख रहे होंगे वो तो भाई आपको बोलेंगे कि भाई तू टाइड है, भाई तू प्रो है, ठीक है। तो ऐसे आप दोस्तों को भी इम्प्रेस कर सकते हो दिखा के। सो ये थी एक और ट्रिक एंड गाइस इसमें मतलब मजे की बात ये है कि आपका इनहेलर भी होगा, मतलब आपकी हेल्थ भी बढ़ जाएगी एंड आपका यहाँ पे जो है मतलब अच्छा सा एनिमेशन भी आ जाएगा, ठीक है। आपको डबल फायदा होगा, एक तीर से दो निशाने होंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ये ट्रिक आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि गाइस ये ट्रिक है ही ऐसी। तो गाइस कमेंट मेरे को ज़रूर बताना कि आपको इन चारों ट्रिक में से कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी। एंड गाइस चलो गाइस बढ़ते हैं आप अपनी नेक्स्ट और आखिरी ट्रिक की तरफ। गाइस क्या आपको पता है आप यहाँ पर अपने आप को खुद को रिवाइव कर सकते हो खुद ही, एंड अपने आसपास बंदों को भी रिवाइव कर सकते हो, एंड ये करने की एक कोई ट्रिक नहीं है, ये है एक न्यू कैरेक्टर की स्किल। इस कैरेक्टर का भी नाम मिस्ट्री कैरेक्टर है, बट इसका नाम आगे चलकर ना कुछ होगा जो कि एडवांस आरो में आ चुका है। एंड उस कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि भाई आप जैसे ही नॉक वगैरह होते हो, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो जैसे ही बंदा जा रहा है, एंड इसको यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे ये नॉक हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे ही यहाँ पर नॉक होगा तो नॉक होने के बाद यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, एंड ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर ना ये अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट करेगा जिसमें ये जो है रिवाइव होगा, एंड उस ओरे के अंदर जो भी मतलब कोई भी नॉक बंदा इसका टीममेट या कोई नॉक होगा वो भी आएगा उस ओरे के अंदर, तो वो भी रिवाइव हो सकता है। एंड गाइस ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एंड मतलब ये ट्रिक तो नहीं है, अच्छी एबिलिटी है, एंड ये सबसे टॉप लेवल का करेक्टर बनने वाला है हमारी फ्री फायर का। सो गाइस ये थी आज की हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइस इन में से आपको कौन सी टिप्स एंड ट्रिक अच्छी लगी तो यार कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को। एंड गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड गाइस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गाइस मेरा यहाँ पे फ्री फायर का एक चैनल है जो है गेमिंग चैनल, गाइस यहाँ पे मैं इसमें गेमिंग की वीडियो डालता हूँ, इसमें ज़्यादातर फ्री फायर की, माइनक्राफ्ट की, ग्रेनी कैसे डालता हूँ। एंड गाइस उस चैनल पे यार 200 सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट करा दें, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड गाइस मेरे को ऐसी सपोर्ट चाहिए तो यार उसको 1K तक जल्दी ले जाओ। एंड गाइस मैं गेमिंग वीडियो बहुत ही लेट डालता हूँ, उसकी वजह ये कि गाइस मेरा कोई सेटअप अच्छा नहीं है। एंड गाइस मैं गेमिंग वीडियो जल्दी डालूंगा, एंड गाइस आप सब्सक्राइब जरूर करना, आई बटन पर आपको गेमिंग चैनल की लिंक मिल जाएगी। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मैं मिलूंगा इसी का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।